एक और नई चार्जशीट फाइल हुई है ईडी के द्वारा, और इस चार्जशीट को देखने के बाद मुझे प्रधानमंत्री जी की तड़प पर, मुझे फंसाने की उनकी चाहत पर हंसी भी आ रही है और तरस भी आ रहा है। और उनकी तड़प, उनकी मुझे फंसाने की परेशानी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी आप तड़पो मत, इतना ही ज्यादा अगर मुझे फंसाने का आपने ठान लिया है अपने मन में तो एक फोन करके बता दो कि भाई मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा है तुम्हारे खिलाफ, लेकिन मुझे तुम्हें जेल भेजना है, भेज दो जेल, हम चले जाएंगे जेल। लेकिन ऐसी झूठी कहानियां बना के अपने आप को देश के सामने उजागर मत करो प्रधानमंत्री जी, आपकी संस्था ईडी को कॉमेडी सर्कस मत बनाओ, मजाक बन गया ईडी और ईडी की जांच। और मैं भी सिलसिलेवार करके आपके सामने बताऊंगा। आपको याद होगा पार्लियामेंट में मैंने ईडी के खिलाफ आवाज उठाई कि ईडी का मिसयूज होता है, ईडी का दुरुपयोग होता है। उसके बाद प्रिविलेज कमेटी की नोटिस मुझे मिली, वो प्रिविलेज कमेटी की नोटिस का मैंने जवाब दिया है और वहां पर मैं, प्रिविलेज कमेटी जब बुलाएगी मैं जाऊंगा भी। उसके बाद मैंने, मेरा नाम चार्जशीट में गलत ढंग से शामिल किया गया तो मैंने ईडी को नोटिस भेजा डिफेमेशन का। फिर उन्होंने मुझसे गलती मानी कि साहब गलती से लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। अब उनको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतिहास में पहली बार ईडी को अपनी गलती माननी पड़ी, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आज उन्होंने क्या करिश्मा किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, अमित अरोड़ा, जिसने अपना खुद भाजपाइयों से एक फर्जी स्टिंग करवाया और उस स्टिंग को जारी किया, बीजेपी वालों ने उसके फर्जी स्टिंग को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे एक बयान मेरे खिलाफ दिलवाया। और आप देखिए बड़ा मजेदार बयान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह शख्स अमित अरोड़ा जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, इसने पहला बयान दिया 6 सितंबर को, दूसरा बयान दिया 7 सितंबर को, तीसरा बयान दिया 29 नवंबर को, चौथा बयान दिया 2 दिसंबर को, पांचवा बयान दिया 3 दिसंबर को, छठवां बयान दिया 5 दिसंबर को, सातवां बयान दिया 7 दिसंबर को, आठवां बयान दिया 10 दिसंबर को, नौवां बयान दिया 13 दिसंबर को, दसवां बयान दिया 13 दिसंबर को, और उसके बाद बीच में निकल जाता है, बाहर निकलता है। और फिर इसने बयान दिया 27 मार्च को। मैं इतना अनजान व्यक्ति हूं, इतना गुमनाम व्यक्ति हूं कि अमित अरोड़ा जो 10 बार ईडी को बयान देता है, 10 बार, उसमें संजय सिंह का नाम नहीं लेता। 10 बार, ये सारी तारीखें हैं मैंने जो आपके सामने रखी, और 10 बार इसका दिया गया बयान है ईडी के सामने। 10 बार ये शख्स जो बीजेपी के चुनाव पे टिकट पे लड़ चुका है, चुनाव अमित अरोड़ा बीजेपी के टिकट पे जो चुनाव लड़ चुका है, 10 बार के बयान में ये ईडी के सामने संजय सिंह का नाम नहीं लेता। उसके बाद जब ईडी के खिलाफ मैं लगातार बोलना शुरू करता हूं तो इसको बाहर निकाल के मेरे खिलाफ बयान लिया गया। और क्या बयान लिया गया वो भी सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। ऐसा बयान लिया गया जिसका इस शराब की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। देखिए आप, ये चल रही है मोदी जी की जांच, ये चल रही है मोदी जी की कॉमेडी, ये अमित अरोड़ा कह रहा है कि 2020 जून में
जब ये शराब की पॉलिसी कहीं आई गई, इसका नाम ही नहीं था, कहीं दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं था, 2020 जून में इसने कोई एमयू साइन किया, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा उस मीटिंग में थे, दिनेश अरोड़ा और विवेक त्यागी के साथ मिलकर इसने कोई एमयू साइन किया, जिस एमयू का कोई अता पता नहीं, फिर कहता है कि मनीष सिसोदिया और दिनेश अरोड़ा, मनीष सिसोदिया से मिलने में संजय सिंह के साथ, दिनेश अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया से मिलने में गया, संजय सिंह भी उस मीटिंग में मौजूद थे, ये दो बयान इसका आता है। फिर कहता है कि साहब जो पॉलिसी, जो जो जिस चीज के लिए हमने एमयू साइन किया था, वो लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहता है कि दरअसल वो जो एमयू साइन किया था वो पॉलिसी आई नहीं, इसमें लास्ट में लिख रहा है, हाउएवर दिस पॉलिसी चेंज डिड नॉट टेक प्लेस सिंस द पॉलिसी ऑफ 2021 डिड नॉट कम एंड द ओल्ड पॉलिसी ऑफ 1920 वॉज एक्सटेंडेड, मीनवाइल वर्क ऑन द न्यू पॉलिसी ऑफ 2021-22 स्टार्टेड। तो ये कह रहा है कि एक एमयू साइन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि वो पॉलिसी आई नहीं, इसलिए उस एमयू पे कोई काम भी नहीं हुआ। ये इनका बयान है, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस तरीके से जांच चल रही है। अब और मजेदार बात सुनिए, 27 मार्च को इस व्यक्ति का बयान लिया गया। याद रखिएगा, 10 बार में इसको संजय सिंह का नाम याद नहीं आया, विवेक त्यागी का भी नाम याद नहीं आया, अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा का भी नाम 10 बार की पूछताछ में याद नहीं आया, हमारे किसी सहयोगी का नाम याद नहीं आया, मेरा नाम याद नहीं आया, मेरे साथ ये मनीष सिसोदिया से मिलने गया था ये बात भी याद नहीं आई, 10 बार इससे पूछताछ हुई। मैंने सारी तारीख बता दी और ये पूरा पुथन्ना आपको दे दूंगा। पूछा जाता है कि भाई दिनेश अरोड़ा जो व्यक्ति है, 9 अप्रैल को उससे पूछा जाता है कि क्या कोई आपकी मीटिंग हुई थी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ, वो दिनेश अरोड़ा कह रहा है नो नेवर। इससे पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर मेट मनीष सिसोदिया एट हिज रेजिडेंस विथ अमित अरोड़ा, ये 9 अप्रैल को पूछा जा रहा है, 27 को अमित अरोड़ा का बयान है और 9 अप्रैल को इनसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर मेट मनीष सिसोदिया एट हिज रेजिडेंस विथ अमित अरोड़ा, ये दिनेश अरोड़ा से पूछा गया 9 अप्रैल को, तो वो कह रहा है नो नेवर, ये भी इसी बयान में लिखा हुआ। तो मैं तो कह रहा हूं कि इस देश के न्यायालय को अब इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है, किस तरीके से मुझे फर्जी फंसाने के लिए बेचैन और बेताब है। ऐसी घटनाओं का जिक्र इस चार्जशीट में किया जा रहा है जिसका लीकर पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं, ऐसे एमयू का जिक्र किया जा रहा है जिसका कोई लीकर पॉलिसी से लेना देना नहीं, और जो व्यक्ति बयान दे रहा है वही व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये पॉलिसी नहीं आई जिसको लेकर एमयू साइन हुआ था। घटना कब की बता रहा है, जून 2020 की, और कब बता रहा है, 10 बार की पूछताछ में नहीं बताया, 11वीं बार की पूछताछ में मेरा नाम ले रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मोदी जी, मैं आपकी तड़प को, आपकी बेचैनी को समझ सकता हूं, आप मुझे जेल में डालना चाहते हैं, आप बहुत बेचैन हैं, आप तड़प रहे हैं, लेकिन आपकी तड़प पे मुझे तरस आ रहा है। आप एक फोन कीजिए मुझे कि संजय सिंह तुम्हारे खिलाफ सारी जांच करा ली, कुछ नहीं मिला, बट मोदी की इच्छा है तुम जेल चले जाओ, मैं चला जाऊंगा जेल, डाल दो मुझे जेल में, शौक से चला जाऊंगा, लेकिन ये गंदी हरकत मत करो, पूरे देश के सामने आपका सच उजागर हो रहा है। जो व्यक्ति फर्जी स्टिंग करवा के अपनी स्टिंग जारी करवाता है, उस पर बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
दस बार की पूछताछ में उसको संजय सिंह का नाम याद नहीं आता, उसके बाद उसके उससे मेरे खिलाफ बयान लेते हो, मेरे सहयोगियों के यहां छापेमारी करते हो, ऐसी बातें वो लिख रहा है जिसका लीक कर पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं, क्यों ये सब कर रहे हो, क्या हासिल हो जाएगा? तो जैसा मैंने कहा, जितना तथ्य आता जाएगा हर मुद्दे को लेके मैं कानूनी कार्रवाई में जाऊंगा। यह एक दूसरा तथ्य सामने आया है जिसमें फर्जी बेबुनियाद झूठी बातें लिखी गई हैं, जिसको खुद जिस व्यक्ति के नाम से लिखी गई हैं कि दिनेश अरोड़ा साथ में मीटिंग गया था वो डिनाई कर रहा है, ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसका लीकर पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं, बावजूद इसके आधार बनाकर हमारे सहयोगियों के यहां छापेमारी का काम किया गया, हमारे साथियों के यहां छापेमारी का काम किया गया। इस मुद्दे पर भी मैं कानूनी कार्रवाई लोगों के खिलाफ करूंगा और पूरे देश के सामने ऐसे ही एक्सपोज करता रहूंगा, बेनकाब करता रहूंगा नरेंद्र मोदी जी की नीयत को और उनके इशारे पर नाचने वाली ईडी को जो कॉमेडी सर्कस बन गई है। तो मैं आज ये जो चार्जशीट आई थी इसके जो तथ्य थे वो आपके सामने रखना चाह रहा था, इसलिए आज की प्रेस वार्ता थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत साधारण सी एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा, क्या मैं इतना गुमनाम व्यक्ति हूं कि एक आदमी से ईडी सितंबर पिछले साल के सितंबर महीने से और अब आ गया मई, पिछले साल के सितंबर महीने से अब तक 10 बयान ले चुकी है और ये पूरा बयान है रखा है, देखिएगा ये पूरा का पूरा बयान रखा हुआ है उसका, इसमें और भी लोगों के बयान है लेकिन उसके बयान है, पूरे के पूरे बयान है, ये पढ़िए आप। 10 बार के बयान में ना तो उसको संजय सिंह याद आते हैं, ना विवेक त्यागी याद आते हैं, ना सर्वेश मिश्रा याद आते हैं, ना अजीत त्यागी याद आते हैं, और 11वें बार के बयान में फंसाने की साजिश के तहत एक ऐसी एमयू और ऐसी पॉलिसी का जिक्र किया जा रहा है 2020 जून का, जिसका लीकर पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं, लीकर पॉलिसी का तो जन्म ही नहीं हुआ था तब। तो ये फंसाने की साजिश नहीं तो और क्या है, ये बदनाम करने की साजिश नहीं है तो और क्या है, और इसको लेकर अगर मैं कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा तो मेरे पास रास्ता और क्या है। ईडी के अधिकारियों को जो डांट पड़ती होगी, जो कहा जाता होगा वो कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ करने में वो कितना फंस रहे हैं वो भूलते जा रहे हैं। आपने बता दिया संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा और मैं गया था मनीष सिसोदिया के घर, मैंने मीटिंग कराई, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो वो 9 अप्रैल को जब उससे पूछा जा रहा है वो कह रहा है नहीं नहीं साहब ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, कभी नहीं हुई। तो इसलिए मैं फिर मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में, मैं आज दिल से कहना चाहता हूं कि मोदी जी अगर आपके मन में संजय सिंह को फंसाने की इतनी ज्यादा तड़प और तरस है, इतनी ज्यादा आपको बेचैनी है, तो आप देश के प्रधानमंत्री हो, दूसरा काम आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, एक फोन करके मुझे कहो कि संजय सिंह आपके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे आपको जेल में डालना है, आप चले जाओ, मेरी संतुष्टि के लिए चले जाओ, मैं चला जाऊंगा, मैं जेल में चला जाऊंगा, आप फोन करके बता दो कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा फिर भी जेल में डालना है, मैं चला जाऊंगा जेल। लेकिन पूरे देश के सामने आपका घिनौना खेल उजागर हो रहा है, मोदी जी ये मत करो, ये अच्छा नहीं, आपको देश के लिए और सारे काम करने हैं, एक फोन करके कहो कि कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी हमें जेल भेजना है, मैं चला जाऊंगा जेल, आप दूसरा कोई काम करो, देश के बहुत सारे काम है उसको करो, एक आदमी को फंसाने के लिए इतनी साजिशें, इतना खेल, पहले झूठा नाम डलवाते हो, फिर कहते हो ईडी से गलती हो गई, फिर तीन तीन चार्जशीट में गलत नाम, तीनों जगह कोर्ट में लिख के देते हो गलती हो गई, फिर 10 बार एक आदमी बयान देता है उसका, वो मेरा नाम नहीं लेता, 11वें बार जब वो बयान देता है और उसी पीरियड में वो थोड़े दिन के लिए शायद बीमारी उमारी के कारण बाहर भी गया था, और ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ चुका है,
यह है इनकी सच्चाई। तो इसलिए तो अब साफ है कि फंसाने के अलावा इस जांच में क्या है, यह झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं। देखिए आपको याद होगा कि ईडी के दुरुपयोग के बारे में मैंने पार्लियामेंट में स्पीच दिया था और उसमें मैंने कहा था कि ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है, जिसमें बड़ा हंगामा भी हुआ था। पीयूष गोयल खड़े हो गए थे उधर से मुझे मोर्चा लेने के लिए, लेकिन मैंने उनको पूरे तथ्यों के साथ बताया कि ईडी किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और सरकार के इशारे पर विपक्ष के नेताओं को फंसाने का काम कर रही है। वहां से ये शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से चुनाव भी उसका कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण एक दुर्भावना और नफरत से भरी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी के नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो किसी भी हालत में एक एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। और इसलिए देखिए आपने क्या कहा था, 14 फोन मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, कहानी बनाई थी सारे टीवी चैनल। तो ये बदनाम करने का एक जो प्रोग्राम चला रखा है, बदनाम करने की एक फैक्ट्री जो बना रखी है ईडी को, तो अब वो तो अब नहीं चलेगा। अब तो आपकी एक एक झूठ को देश के सामने रखेंगे, आपको फांसी पे चढ़ाना है चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो भी झूठ बोलोगे, जो भी कुछ गलत करोगे, उस पर कानूनी कार्रवाई भी करूंगा और देश के सामने मीडिया के माध्यम से आपका सच भी उजागर करूंगा। और ये आप किसी 10वीं के बच्चे को भी अगर आप बोल देंगे और ये पूरा रखा हुआ, तो उसको समझ में आ जाएगा कि जिस आदमी को संजय सिंह का नाम, संजय सिंह के सहयोगियों का नाम 10 बार की ईडी की पूछताछ में याद नहीं आया, अचानक उसको 27 मार्च को कैसे याद आ गया। आप सोच सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।